क्या हाल है जमशेदपुर, मैं सरफराज शाद आप सभी के समक्ष इस वक्त लाइव जमशेदपुर के मानगो खुदीराम बोस चौक पर मौजूद हूं। और बीते कुछ दिनों पहले ही यहां पर नव निर्माणित गोलचक्कर का उद्घाटन, जिसमें खुदीराम बोस की नई प्रतिमा, नई क्या, जो पहले से प्रतिमा थी उसे यहां पर स्थापित किया गया। और इसी के साथ साथ खंडा साहिब, जिसे सिख समुदाय में काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अहमियत दी जाती है, उसका पुनर्स्थापन हुआ था। इस मौके पर काफ़ी एक बड़ी यहाँ पर गैदरिंग हुई थी और एक भव्य अंदाज में इसका उद्घाटन किया गया था। इस समारोह में मुख्य रूप से झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल हुए थे और टाटा स्टील ने भव्य रूप से इसका उद्घाटन किया और जमशेदपुर के लोगों को एक तोहफे के तौर पर इसे दिया है। लेकिन इसको लेकर बवाल उस वक्त हो गया जब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता यहाँ से उद्घाटन करके निकल ही रहे थे। इसी के फौरन बाद भाजपा के कई समर्थक गुंजन यादव के नेतृत्व में यहाँ पर पहुँचते हैं और हो हंगामा, बवाल यहाँ पर शुरू हो जाता है। मामले को जानने का प्रयास किया जाता है कि आखिर ये बवाल क्यों हो रहा है। मालूम चलता है कि जिस तरह से यहाँ पर टाटा स्टील और जिसको प्रबंधन ने, जिसमें कैप्टन धनंजय मिश्रा के प्रमुख नाम आ रहे थे, साथ ही वीपी सिंह चौधरी के नाम आ रहे थे, उन्हें आमंत्रित किया जाता है और उनकी मौजूदगी में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को बुलाया जाता है। और साथ ही साथ जो यहाँ पर शीला पट लगाया गया है, जिसकी तस्वीर मैंने अभी आपको दिखाई, इस शीला पट पर सिर्फ दो ही नाम आपको दिखेंगे, श्री बन्ना गुप्ता और श्री चाणक्य चौधरी, जो कि जिसको के अधिकारी हैं, इनका नाम दर्ज है यहाँ पर। तो इसको लेकर भाजपा के लोगों का बवाल था और बवाल और हंगामा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इसमें अब बदलाव होने जा रहा है। जी हाँ, अब यह शिला पट बदलेगा और इसमें नए नाम जोड़े जाएंगे, क्योंकि इस उद्घाटन समारोह में क्षेत्र के सांसद विद्युत वरण महतो को न्योता नहीं दिया गया था, उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। इसी को लेकर ऐतराज़ भाजपाइयों का था कि अगर क्षेत्र की कोई चीज़ का उद्घाटन हो रहा है जिसमें सांसद प्रमुख होते हैं, सांसद को भी उन्हें इनवाइट करना चाहिए, बुलाना चाहिए, लेकिन सांसद के बगैर ही जिसको प्रबंधन रंगदारी ढंग से मनमाने अंदाज में इस चीज़ का भव्य उद्घाटन कर रही है, लेकिन सांसद को ही ऐसे कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाता है। इसको लेकर भाजपा के लोगों ने यहाँ पर जमकर बवाल काटा था और जिसके बाद टाटा स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट डिपार्टमेंट से मुलाकात कर सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, मुख्य रूप से इसमें महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव शामिल है, गुंजन यादव ने इसकी मांग की और कैप्टन धनंजय मिश्रा के बारे में कहा गया। अखबारों के मुताबिक, कई प्रिंट मीडिया में भी लिखा गया है, जिसमें कैप्टन धनंजय मिश्रा ने इस बात को लेकर अपनी गलती स्वीकार की है, ये गुंजन यादव ने कहा है। और शुक्रवार तक का समय इसमें मांगा गया है कि शुक्रवार तक का समय उन्हें दिया जाए, जिसके बाद से ये नेम प्लेट, इसमें नाम बदले जाएंगे और एक नया शिलापट यहाँ पर आपको दिखेगा जिसमें नए नाम जोड़े जाएंगे, जिसमें पूर्व सांसद मृगेंद्र प्रताप सिंह और साथ ही साथ सांसद विद्युत वरण महतो का नाम यहाँ पर जोड़ा जाएगा। तो जिस तरह से बीते चार दिन पहले इसका भव्य उद्घाटन एक शानदार रूप से किया गया था और चर्चा में ये काफ़ी रहा है इस बीच में ये गोलचक्कर, क्योंकि नव निर्माणित गोलचक्कर है। पहले आप इस जो गोलचक्कर में खुदराम बोस की प्रतिमा देखा करते थे और साथ ही साथ खंडा साहब भी था, जिसका पुनर्स्थापन हुआ और इस पुनर्स्थापन के मौके पर एक भव्य रूप से जिसको ने एक यहाँ पर इंतज़ाम किया था और एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था टाटा स्टील के द्वारा। और टाटा स्टील के इसी कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को भी न्योता दिया गया था और उन्हीं के जरिए से इसका उद्घाटन कराया गया था, जिसमें आप श्री चाणक्य चौधरी का नाम देख सकते हैं। ये दोनों मुख्य रूप से नाम आपको शिलापट में दिखाई देंगे। लेकिन इसके अलावा भाजपा के लोगों का मांग था कि जो क्षेत्र के सांसद विद्युत वरण महतो हैं, उनका भी नाम शिलापट में होना चाहिए। और इसको लेकर तमाम लोगों ने यहीं पर जमकर बवाल काटा था और जिसके बाद अब ये खबर है कि जुस्को के अधिकारियों ने अपनी गलती स्वीकार की है और शिलापट में पूर्व सांसद मृगेंद्र प्रताप सिंह और साथ ही साथ सांसद विद्युत वरण महतो का नाम यहाँ पर जोड़ा जाएगा। आप देख सकते हैं ये खुदीराम बोस की प्रतिमा है और इसी प्रतिमा का अनावरण भी उसी रोज़ हुआ था और साथ ही साथ खंडा साहब का उद्घाटन भी हुआ था और इसी मौके पर एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित की गई थी और जिस कार्यक्रम के बाद ये बवाल और ये हंगामा सामने आया था। और अब मुख्य रूप से इसमें बदलाव जो होगा वो नाम का बदलाव होने वाला है और इसी को लेकर लोगों का बवाल था कि एक तो न्योता आमंत्रण नहीं दिया गया, सांसद को यहाँ पर बुलाया नहीं गया, उनके बगैर इसका उद्घाटन हो जाता है, और दूसरी ओर अगर शिलापट यहाँ पर लगाया गया है तो उसमें सांसद का नाम तक नहीं है।
तो फिलहाल ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा। आपको ये वीडियो, ये जानकारी हमारी कैसी लगी, इसके लिए अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर दीजिएगा। आपसे हम मिलेंगे किसी और अन्य लाइव टॉपिक और लाइव मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए आजाद रिपोर्टर जमशेदपुर।